फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो सब? मैं श्वेता स्वागत कर रही हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुबह सुबह नहा धुला के हो गई हूँ रेडी और अभी जाने वाली हूँ मंदिर पूजा करने, क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज हमारी शादी की 10 साल कम्प्लीट हो गई। 10 साल हम अपने पतिदेव के साथ 10 सालों से रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मंदिर, घर के मंदिर में पूजा करके फिर बाहरों के मंदिर में जाएंगे अभी पूजा करने। फूल लाए थे ना, कहाँ रखे बेटा? पति देव यहाँ पे जला रहे हैं अगरबत्ती, हम भी साथ को लेते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं पैर में अपने महावर वगैरह लगा ली थी और न्यू बिछिया थी वो भी लगा ली, और पैर जो हमारे पास एक न्यू था उसको भी लगा लिए। बिछिया तो मम्मी दी थी पिछले बार एनिवर्सरी में, तो रखा था उसको पहन लिया और पैर भी रखा हुआ था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, कैसा लगा? बोलिए। 10 साल का सफर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम लोग का अगले जन्मों जन्मों तक कितना 10 साल बीते ऐसे साथ में। थैंक यू बेटा, थैंक यू। डैडू का भी है वेडिंग एनिवर्सरी। तो पतिदेव को हमारे तरफ से यही गिफ्ट ऐसा मिला था। क्या है बेटा? थैंक यू बेटा। बहुत लोग सोचेगा जो एक ही है, तो दिखा दीजिए दो डब्बा है अलग अलग। मेरा अलग, आप जो ये पायल दिए थे पहन लिए, देखिए। नहीं दिए थे कब? वो तो आप पहनाइएगा ना, मटका वाला मिठाई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके बेटा जी, ओके बाय। डाटा झगड़ा नहीं करना उसे, ठीक है? हम तो रहता रहे। किसी का फोन आएगा तो कुछ मत बोलिएगा, कभी संडे को आता है कभी नहीं आता है। नल को खोल दिया। तो अभी मानवी शानवी को रूम में छोड़ दिए थे हम लोग, सुबह सुबह का टाइम था, सोचे चलो थोड़ा सा भगवान के तभी दर्शन कर लिए जाए। तो अभी हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए थे क्योंकि घर के एकदम बिल्कुल पास में है। तो अब हम मंदिर पहुंच ही चुके हैं, तो जाते हैं यहाँ पर पहले अंदर। यहाँ पे पूजा खुद नहीं किया जाता है, जो हम प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे तो वो मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं उनको हम दे देंगे, वो पूजा कर देते हैं। बट हम लोग खुद से भोला बाबा के मंदिर के अंदर भी नहीं प्रवेश कर सकते, यहाँ कुछ ऐसा नियम है। तो मैं पुजारी जी को बुलाई आवाज़ लगा के, जो आके मेरी थोड़ी सी पूजा कर दे। तो अभी आ चुके हैं पुजारी जी। हे मृत्युंजय महादेव शंभो रुद्राय नमो महेन्द्रं च सुरगुरुं च वन्दे च विघ्नदन्त निवारणं च वाणीरन्यविस्मरं भवावर मानवी कुमार शरणारविन्दयुगलाय नमं च जगमानस्य नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर। तो गाइस जब हम लोग थोड़ा मंदिर का परिक्रमा लगा रहे थे, और उस साइड और बहुत सारे भगवान जी मतलब हैं, लेकिन पतिदेव नहीं गए उस साइड, तो मैं यहीं पर अपना परिक्रमा वगैरह करके फिर यहाँ से निकल रही थी बाहर की तरफ। सोचे चलो भगवान का एक राउंड लगा लेती हूँ। फाइनली हम मंदिर से निकल गए हैं पूजा करके, और उस तरफ देखते हैं, इसे प्रणाम कर लेते हैं। हम तो जा सकते हैं, पतिदेव जल्दी तैयार नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बजरंगबली का भी मंदिर है, पता नहीं पतिदेव क्यों नहीं जाना चाहते, कितना बड़ा है। मुझे यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ मैं। तो इस
उसके बाद अब हम लोग मैं पहुंच गई थी तारिणी मंदिर, तो तारिणी माता को प्रणाम कर ली और इसके बाद फिर अगरबत्ती जला दी और यहाँ से निकल गई थी मैं मार्केट की तरफ। गाइज अभी तो हमारा बिल्कुल वीडियो डालने का इच्छा नहीं होता क्योंकि यूट्यूब ने हमारा पता नहीं बार बार यूट्यूब को मेरे से ही क्या दुश्मनी है जो हमारी अर्निंग बंद कर देती है। उतना ही नहीं, जो हमारी अर्निंग आ चुकी रहती है उसको भी कट मनी माइनस कर दे रहा है, तो बहुत अंदर से मन दुखी हो रहा है मेरा और वीडियो डालने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा है। खैर छोड़ो, अभी मैं आ गई थी मिठाई की दुकान पे, स्वीट्स दुकान पे, तो यहाँ पे मैं कुछ मिठाई वगैरह और कुछ पनीर वगैरह ले पैक करा रही थी। फाइनली हो गया, वेट कर रहे हैं, देखिए आएंगे। मैं ऊपर आ गई हूँ। सबको मैं छोड़ के गई थी। अच्छा पहले मिठाई नाश्ता पकौड़ा सब लेके आए हैं। तो गाइस जब हम आ गए थे मंदिर, उसके बाद मैं एक मिठाई लेके पतिदेव को खिला रही थी कि चलो मैं आपको खिला देती हूँ। तो सबसे पहले एक दूसरे को हम लोग ने मिठाई खिलाया और अच्छा भी लगा। भगवान करे ये जन्मों जन्मों तक हम लोग का साथ ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही प्यार आप लोग की दुआ आशीर्वाद से रहे। और टूट पड़े हैं कुछ नाश्ता करने पे, तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता जो कि बाहर से कुछ लेके आ गए थे। और ये आज ये वाली चूड़ी लगाई जिस पे लिखा हुआ था सदा सुहाग सौभाग्यवती भव, मम्मी दी थी, तो सोचे इसको चलो लगा लेते, अच्छा लग रहा है। नहीं बोल रहे इस पर लिखा हुआ है, इस पर मतलब मैरून में गोल्डन से लिखा तो उतना पता नहीं चल रहा है, एक हमला है ना येल्लो पे रेड से लिखा है कुछ पर खूब ज़्यादा पता चल रहा है। चलो फटाफट पहले खा लेते हैं। अभी हम थोड़ा बहुत दो रेडियो के रील वगैरह बना लिए, अब चलते हैं घर की काम करने, फिर रात को देखते हैं क्या पतिदेव क्या क्या और कर रहे हैं। बारिश भी होता है बट गर्मी भी है बरकरार, तो इसीलिए मुझे पता नहीं कहीं जाने का भी बाहर इच्छा कहीं करता नहीं है। और हाथ भी इतना ये हो गया जो बार बार गिर जा रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से, बाय बाय। दिन सारा ड्रेस चेंज करेंगे, अब दूसरा एक न्यू नाइटी था उसको पहन ली हूँ, नहीं मानवी आज दिन सारा यही करेंगे और रात को कुछ और पहनूंगी अलग बलग। आज सब कुछ न्यू तो देखते हैं। पतिदेव को तो हमने वॉच दिया घड़ी गिफ्ट क्योंकि अब उनको पता चल गया है, लेकिन फिर रात में पहनाएंगे। पतिदेव मेरे लिए क्या लाए हैं, गद्दी मिल लो हमारी प्यारी प्रिंसेस, आज मदर्स डे है ना बेटा। हैप्पी मदर्स डे, और दूसरे हाथ पे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। तो चलो हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू बेटा जी। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये हमारी शादी की कुछ क्लिप जो कि मैं यहाँ पर डाल दी हूँ, वो पुरानी मेमोरी है जो कि आज से 10 साल पहले हमारी शादी हुई थी 2014 में। और ये हमारी फेरे के वक्त की क्लिप है जब हम लोग फेरा ले रहे थे, तो और मेरी बुआ पकड़ रखी थी, मेरा भाई ऐसे लवा वगैरह दे रहा था। फिर उसके बाद ये जो क्लिप है ये सिंदूरदान के टाइम का है, हमारी बट फड़ाई होते हैं, हम लोग के बिहार में ऐसे सिंदूर पड़ता है। जो लोग देखना चाहते हैं हमारी शादी की क्लिप डल रखी है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। तो हमारे बिहार में ऐसे ही सिंदूर पड़ता है, आप लोग बताना आप लोग की तरफ कैसे होता है। और मैं अपनी शादी की सारी वीडियो एक एक करके वीडियो जो भी है ब्लॉग में मैं डाल रखी हूँ, आप लोग ज़रूर सर्च करना, आप लोगों को दिखेगा हमारी शादी वाली वीडियो। तो पुरानी मेमोरी यहाँ पे मेरी ताज़ा हो रही थी और थोड़ा अजीब सा लग रहा था देख के शादी का टाइम।
चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को कर दे रहे हैं एंड। नेक्स्ट ब्लॉग में और ही अच्छा होगा जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जुड़ी रहिए हमारे साथ।